वेलकम बच्चों। सो आज से चालू करने वाले हैं हम ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में सबसे स्टार्टिंग में हम शुरुआत करेंगे हमारे बेसिस का। तो इसमें हमारे पास कुछ जो जरूरी चीज़ें होती है, वैसा बहुत सारी चीज़ें हम 9 क्लास तक पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, यहाँ पर जो सिलेबस है, ठीक है, तो वहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अब कैसा बहुत सारी चीज़ें पढ़े तो हर चीज़ काम में आती ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हमको काम में आने वाली है वो सब चीज़ें हम बेसिक के तौर पर देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, उसके बाद में एंगल्स है, एंगल में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे अल्टीट्यूड, मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड, एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद आपने देखा होगा उसके टाइप्स होते हैं, उसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी अलग अलग चीज़ें, उसके टाइप्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम हमारे बेसिक में देखने वाले हैं। और बच्चों, एक बार हमारा बेसिक माइंड में फिट बैठ गया हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो चालू करते हैं हमारे बेसिक से। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। पहला हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, परपेंडिकुलर लाइन्स। हमारे पास है परपेंडिकुलर लाइंस। सो बच्चों, आप सबको मालूम है परपेंडिकुलर लाइंस होती है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा एक हाथ ये पर एक लाइन है और दूसरा ये हाथ अगर ऐसे है तो इन दोनों में कितने का एंगल नज़र आ रहा है आपको, 90 डिग्री का। तो समझ जाइए कि वो लाइंस एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर, यानी ऐसी लाइन जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल में इंटरसेक्ट करती है, उन लाइंस को क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइंस। यानी क्या कहेंगे हम, द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, उसे क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन L है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरी लाइन है हमारे पास M, आप उसको नाम दे सकते। जब भी हम लाइन को सिंगल लेटर से बताते तो वहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज़ करना, ठीक है, और अगर मान लीजिए कि टू से ज़्यादा लेटर्स से अगर ये करना है तो कैपिटल लेटर्स, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन भी लगा देता हूँ, ठीक है। सो अब देखो, लाइन L और लाइन M एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मान लीजिए कि मैं पॉइंट का नाम ले लेता हूँ O, जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही, और वो किस में इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल्स में। अब देखो, यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सभी के सभी हमारे क्या होंगे, राइट एंगल्स, ठीक है। सो लिखते समय जैसे अब मान लीजिए कि इसको हम पढ़ते तो पढ़ेंगे कैसा, कि लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, या फिर आप उल्टा भी बोल सकते हो, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M भी बोल सकते हो, ठीक है। और राइटिंग में परपेंडिकुलर का सिंबल आपको मालूम है, उल्टे T के जैसा होता है, ठीक है। सो यहां पर क्या कहेंगे हम, कि लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। और जब आप इसको लिखना चाहेंगे सिंबॉलिकली, मतलब कैसा लिखेंगे आप इसको, कि लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, इस तरह से आप उसको लिखेंगे। या फिर अगर आप उल्टा बोलेंगे, जैसे लाइन M की जगह पे, जैसे यहाँ पे आपने पहले लिया लाइन L परपेंडिकुलर लाइन M, तो सिंपली क्या होगा, L इधर आ जाएगा, M इधर आ जाएगा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब यहाँ पे जो एंगल्स तैयार होंगे वो एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। सो फिर से एक बार, परपेंडिकुलर लाइंस क्या मतलब है, द लाइंस which intersect each other at right angles, they are called as perpendicular lines. पढ़ते समय इस तरह से पढ़ेंगे, लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, और लिखते समय लाइन M इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, यानी सिंबॉलिकली इस तरह से लिखेंगे आप, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद सेकंड लेते हैं हम पैरेलल लाइंस। दूसरा कौन सा लेंगे हम, पैरेलल लाइंस। सो यहाँ पर आपको मालूम है पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलती, जैसे आपने रेल की पटरी देखी होंगी तो वहाँ पर जो सीधे बार्स चलते हैं वो कभी नहीं मिलते। उसके बाद में आपने देखा होगा हमारे घर में दरवाजे होते हैं, ठीक है, तो दरवाजे के दो एजेस होते हैं, चाहे
ऊपर नीचे वाले लोग या फिर साइड वाले, वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलते, ठीक है। सो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, यानी मिलती ही नहीं, उन्हें क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइंस। हाँ, उसकी और थोड़ी डिटेल में अगर जाना है तो आप इस तरह से बोल सकते हो, द लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन, यानी एक ही प्लेन में होनी चाहिए एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप इतना बड़ा ध्यान में रखने के बाद में, क्योंकि हम बेसिक देख रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारा बहुत सारा डेफिनेशन वगैरह हमने पहले देखी है, तो यहाँ पर सिंपल सिंपल ध्यान में रखना है, द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट। क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट, विच डू नॉट इंटरसेक्ट, जो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होते, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम? द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स। उनको क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइन्स कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन है, मैं नाम दे देता हूं उसको एल, और एक दूसरी लाइन है मान लीजिए लाइन एम, ठीक है। देखो आप ये दोनों लाइंस अगर देखेंगे, कितने भी अगर आप बढ़ते हैं, देखो लाइंस का मतलब क्या है कि वो दोनों तरफ बढ़ सकती है। हाँ, वही पे सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन का लिमिटेड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जो लाइन यल है, ये जो लाइन यम है, आप चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे कि लाइन यल और लाइन यम दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो यहाँ पर, कि लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। तो पढ़ने के लिए यानी रीडिंग में हम इस तरह से बोलेंगे, ठीक है, लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम। और जब इसको लिखना होता है, यानी सिंबॉलिकली, जैसे हमने परपेंडिकुलर लाइंस को इस तरह से लिखा, इनको अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे लाइन यल इज पैरेलल, देखो ये पैरेलल का सिंबल, और यहाँ पे उल्टे टी जैसा है तो वो हमारा परपेंडिकुलर का सिंबल, ठीक है, लाइन एम, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या बोलेंगे कि ये लाइन्स एक दूसरे को क्या है? पैरेलल है। यानी लाइन पैरेलल कब होंगे एक दूसरे को? जब वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी। ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे, यानी राइट एंगल्स, और ये जो है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, तो उनको क्या कहेंगे हम? पैरेलल लाइंस। रहेगा बच्चों ध्यान में? सो चलो फिर एक बार है, परपेंडिकुलर लाइंस, द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या है? द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को नहीं मिलना पैरेलल, एक दूसरे को मिलना वो भी राइट एंगल्स में, यानी परपेंडिकुलर्स। रहेगा ध्यान में? सो इस तरह से ध्यान में रखना है। चलो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर हम लेते मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। क्या बोलेंगे हम? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का मिड पॉइंट। अब देखो क्योंकि सेगमेंट है, सेगमेंट क्या होता है? इट इज द लिमिटेड पार्ट ऑफ द लाइन। अब उसके बाद देखो, लाइन की लेंथ हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सटेंड होती ही जाती है, ठीक है। लेकिन जो सेगमेंट होता है, हम सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ये सेगमेंट ले लिया, समझो सेगमेंट ए बी है, ये लिमिटेड पार्ट है इसलिए मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मैंने बीच का पॉइंट, एकदम मिडल में, एकदम बीच में जो आता वो हमारा मिड पॉइंट होता है। सो अगर मैं यहाँ पे एकदम बीच में अगर विचार करता हूँ, सो यहाँ पे अगर लेते हैं हम, तो यम हमारा मिडल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये जो ए एम है और इधर में जो बी एम है, ये दोनों पार्ट कैसे होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब मिड पॉइंट क्या करता है? मिड पॉइंट किसी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या कहेंगे हम? ये मिड पॉइंट सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे ये पार्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल, मिड पॉइंट यानी क्या है? सेगमेंट का मिड पॉइंट यानी द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। क्या कहेंगे यहाँ पे हम? द पॉइंट which divides the segment into equal parts,
उसे हम क्या कहेंगे, मिड पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल फिर लेते यहाँ पर हम, ये हमारे पास है सेगमेंट ए बी, ठीक है, और यम इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने लेंथ ली थी 10, तो आधे आधे जो पार्ट्स हुए वो हुए 5 5 सेंटीमीटर के। सो यहाँ पर यम अगर मिड पॉइंट है, सो पूरे सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट होंगे, पहला पार्ट होगा ए यम और दूसरा पार्ट होगा बी यम। यहाँ पे आप इस तरह से ध्यान में रखो, आधे आधे पार्ट्स हो गए, तो आप यहाँ पे ध्यान में क्या रखेंगे, आधा इज इक्वल टू आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू। मतलब देखो ना, जैसे ये 5 है आधा पार्ट, इज इक्वल टू ये दूसरा आधा पार्ट, इज इक्वल टू पूरा कितना था 10 अपॉन 2। ये सिंपल ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी आधा इज इक्वल टू आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू, आप यहाँ पे होल अपॉन टू बोल सकते हो। ठीक है, सो वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे दो इक्वल पार्ट्स होने वाले। जैसे मैं यहाँ पे कहूँगा क्या, एम इज मिड पॉइंट, यम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, उसका नाम देते हैं हम ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर दो इक्वल पार्ट्स हो गए, क्या कहेंगे आप यहाँ पर, आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू। माइंड में फिट ही करके रखो कि जब भी मिड पॉइंट, जब भी बाइसेक्ट, जब भी इक्वल पार्ट वाली चीज़ें अगर आ जाएंगी, सिंपल ध्यान में क्या रखना है, आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू। सो यहाँ पर आधा कौन है, सो इसके दो इक्वल पार्ट होंगे ना, तो पहला आधा पार्ट कौन होगा ए एम, सेकेंड आधा पार्ट कौन होगा बी एम, जो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, और इज इक्वल टू पूर्ण कौन है, यहाँ पर पूर्ण है हमारे पास ए बी, और ये दोनों के दोनों आधे है, तो ए बी का आधा, आधा का मतलब क्या होता, डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, यानी ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, ये हम कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे कि अगर हम थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते, मान लीजिए कि ये क्या है, ए बी अपॉन टू। ठीक है, क्योंकि ए एम ए बी अपॉन टू, बी एम भी ए बी अपॉन टू होगा, अगर ये टू इधर आ जाते तो क्या होगा, ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू, उधर कुछ नहीं बचेगा यानी ए बी। ठीक है, ट्वाइस, सॉरी यहाँ पे ए एम लेंगे हम। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा, टू इधर आएगा तो ट्वाइस ए एम इज इक्वल टू ए बी, वैसे ही टू इधर चला जाएगा तो ट्वाइस बी एम इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली हम इसको ऐसा लिख के रखेंगे, ट्वाइस ए एम इज इक्वल टू ट्वाइस बी एम इज इक्वल टू ए बी, और आप इसको इक्वेशन फर्स्ट देके ही रख ही देना। जब कभी भी अगर मिड पॉइंट का काम आता, जैसे यहाँ पर मिड पॉइंट देखा, सिंपल आपने वो लाइन लिखी यहाँ पर, तो इसके बाद इसका काम करके रख ही देना। जैसे क्या काम है यहाँ पर, जैसे ए बी का मिड पॉइंट कौन है, एम है, ए बी का मिड पॉइंट कौन है, एम, तो करके क्या रखना है, आधा यानी ए एम इज इक्वल टू आधा यानी बी एम इज इक्वल टू पूर्ण यानी ए बी अपॉन टू। ठीक है, फिर उसके बाद टू इधर चिपका देना, ये इस तरह से बन जाएगा, करके ही रख देना। इसका काम आए न आए, हो सकता कभी हमको ऊपर की लाइन का काम लग जरूरत पड़ती, कभी हमको नीचे की लाइन की जरूरत पड़े, कुछ बता नहीं सकते, इसलिए इस तरह से करके रख देना, ताकि जब भी आप उसको लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन प्रूव करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर स्पेशली ज्योमेट्री में क्या करना होता है, हमको रीजंस लिखने होते। तो जब हम रीजन लिखेंगे तो कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, कभी बेसिक, कभी थ्योरम, कभी टेस्ट, ये सब जब लिखते हैं तो उस तरह से हमको ये जरूरी होगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखने का, चाहे आप ऊपर से काम लो चाहे आप नीचे से काम लो। इसलिए ध्यान में ही रखना है कि जब भी मिड पॉइंट का काम है, मिड पॉइंट बोलो या फिर बाइसेक बोलो, जब भी किसी भी चीज के दो इक्वल पार्ट्स अगर हो जाए, तो सिंपल क्या ध्यान में रखेंगे, आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू। चाहे कभी एरिया में हो, चाहे कभी एंगल्स में हो, किसी भी चीज़ में जब भी दो इक्वल पार्ट होंगे, आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू, फिर उसके बाद में ट्वाइस आधा इज इक्वल टू पूर्ण। पूर्ण यहाँ पे मैं इसलिए थोड़े से शब्द, क्योंकि फिट रहना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे होल कंप्लीट ऐसे शब्द भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ध्यान में रखना, जैसे एग्जांपल मैंने फट से ले लिया, ये मान लीजिए पी क्यू है, पी क्यू के मिड पॉइंट है अगर आर, कैसा लिखेंगे बोलो फट से, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, सो क्या होगा, आधा यानी कौन पी आर इज इक्वल टू, आधा यानी कौन क्यू आर इज इक्वल टू पूर्ण यानी कौन पी क्यू अपॉन टू। फट से लिख के रख देना, इससे क्या हो जाएगा, ट्वाइस पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, और इक्वेशन फर्स्ट,
ये आपको ध्यान में ही रखना है। तो इस तरह से करके ही रख देना मेरे बच्चों, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ का क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स होंगे, दो इक्वल पार्ट्स होंगे तो ध्यान में क्या रखना है, मैंने कहा आधा इज इक्वल टू आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू, माइंड में फिट ही कर लो यार। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके माइंड में वो फिट होने के लिए आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू, बस बिल्कुल ध्यान में रखना हर एक चीज़, क्योंकि हम बेसिक में ढेरों मटेरियल नहीं पढ़ने वाले, हम उसमें वही मटेरियल पढ़ने वाले हैं जो हमारे टेंथ में या फिर हमारे आने वाले क्लासेस में काम में आए, इसलिए ध्यान में रखना। परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस हो गया, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये है यहां पर एंगल बाइसेक्टर, क्या कहेंगे हम, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा सिंपल, बाइसेक्ट करना यानी दो इक्वल पार्ट्स करना, चाहे वो मिड पॉइंट के हिसाब से हो चाहे वो बाइसेक्टर के हिसाब से हो। तो एक ऐसा रे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये हमारे पास एक आधा एंगल है, समझो एंगल का नाम है एबीसी। अच्छा, ये अगर 60 डिग्री है एग्जांपल, तो इसको बाइसेक्ट करेंगे अगर, तो इसके दो इक्वल पार्ट्स होंगे, तो बाइसेक्ट करने के लिए बी से एक आधा रे निकलेगा जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो जो रे किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा, उसको हम एंगल बाइसेक्टर कहेंगे। यानी क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कहा पॉइंट सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता था, यहाँ पर रे किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि मैं एक एंगल ले लेता हूँ, जैसे अभी लिया थोड़ी देर पहले हमने, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास एंगल है, एंगल का नाम है एबीसी मान लो, ठीक है, और बीच में से ये कोई रे निकलता है, ठीक है, नाम दे दूँ मैं इसको बीडी। तो पूरे एबीसी के दो इक्वल पार्ट्स करेगा, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट अगर सेम है तो इसके दो इक्वल पार्ट हो गए। कौन से, देखो ए बी डी, डी बी सी, ऐसे दो इक्वल पार्ट हो गए, और पूरा कंप्लीट कौन था, ए बी सी, ठीक है। तो मैं फिर से वहाँ पे यही कहने वाला हूँ क्या, कि आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू लिख के ही रख देना मेरे बच्चों, किसी भी चीज़ में जब भी दो इक्वल पार्ट्स हुए कि आपको ये लिख के ही रख देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले तो लिखेंगे कैसा, चलो बताओ, रे क्या नाम है इसका, रे बी डी, ठीक है, क्या है, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। देखो एंगल ए बी सी का बी डी, ये जो रे बी डी है वो क्या है, बाइसेक्टर है। सो इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, कौन से, चलो बताओ, ए बी डी, डी बी सी, और पूर्ण कोण है ए बी सी, ठीक है। सो क्या काम है यहाँ पर, जैसे ऊपर यहाँ पे भी हुई क्या, आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू, तो आधा आधा एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। सो क्या होगा, एंगल बोलो यहाँ पर ए बी डी इज इक्वल टू दूसरा आधा, आधा यानी कौन, डी बी सी इज इक्वल टू पूर्ण एंगल कौन सा है, ए बी सी अपॉन टू हो जाएगा ऐसा। और ये टू को आप इधर चिपका दो, यानी क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर पूर्ण कौन है, ए बी सी, ठीक है। और फिर से मैं कहूँगा इसको, जब भी ये क्वेश्चन में आएगा तो इक्वेशन वन नाम देके रख देना, जो भी नंबर आएगा इक्वेशन का वो देके ही रख देना है, ठीक है बच्चों। क्या है यहाँ पर, देखो एंगल बाइसेक्टर यानी क्या, द रे विच डिवाइड्स एन एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। ये रे ए बी सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट जब भी आएंगे ध्यान में रखना है आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू, यानी ए बी डी डी बी सी ए बी सी अपॉन टू, फिर ये ट्वाइस इधर लगा दो, सिंगल कर दो उसको, ठीक बच्चों। तो इस तरह से ध्यान में रखना है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। सो चलो देखो हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मिड पॉइंट किसी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एंगल बाइसेक्टर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और मैंने बार बार कहा है जब भी दो इक्वल पार्ट्स होंगे ध्यान में रखना है आधा इज इक्वल टू पूर्ण अपॉन टू, ठीक है, और वो टू इधर लाके रख देना, इस तरह से करके रख देना, ठीक है। चलो बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारे पास है अभी एंगल्स, हम यहाँ पर क्या लेते हैं अभी
एंगल्स, थोड़े अलग अलग तरीके के हमारे पास एंगल्स हैं, उन जितनी ज़रूरत है उन सभी एंगल्स को हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि मैं पहले लेना चाहूँगा यहाँ पर आप सबका प्यारा जो है वो है हमारा राइट एंगल्स, ठीक है। पहला कौन सा है हमारा राइट एंगल, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे इसके मेजरमेंट के हिसाब से लिखने वाला हूँ। तो राइट एंगल का मतलब का हैविंग मेजर 90 डिग्री, क्या बोलेंगे सिंपल, क्या बोलेंगे यहाँ पर आप, हैविंग मेजर, मेजर कितने डिग्री, 90 डिग्री, हैविंग मेजर 90 डिग्री, बस आपको इतना ध्यान पे रखना है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये एंगल निकालता हूँ, ये एंगल ए बी सी है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल होता है हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। यानी एंगल ए बी सी क्या कहेंगे हम, राइट एंगल है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल ध्यान में रखना है, राइट एंगल का मतलब क्या, हैविंग मेजर 90 डिग्री। हाँ, आप उसको पूरा भी पढ़ सकते हो, द एंगल विच हैज़ द मेजर 90 डिग्री, या फिर द एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड एज, तो पूरी लाइन बोलने की जरूरत नहीं, सिंपल माइंड में पॉइंट वाइज ध्यान में रखना है कौन सा, राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब हैविंग मेजर 90 डिग्री, इस तरह से वो दिखेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलो सेकंड पे आते हैं, सेकंड होगा हमारा एक्यूट एंगल, सेकंड क्या कहेंगे हम इसको, एक्यूट एंगल। सो सिंपली ध्यान में रखना है, हैविंग मेजर लेस देन 90 डिग्री, क्या बोलेंगे आप, लेस देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से एक डिग्री, अरे आधा डिग्री भी कम होना तब भी वो एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। यानी जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये एग्जांपल है, मान लीजिए एंगल ए बी सी मैंने ले लिया समझो 50 डिग्री, एक आधा कोई दूसरा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये एंगल ले लेता हूँ मैं पी क्यू आर, मान लीजिए मैं 80 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको 80 डिग्री के लायक बना दो जरा सा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा 80 डिग्री के लायक बना देता हूँ, आप हो सके तो मेजर करके भी निकाल सकते हो। देखो बस ये हमारे 90 से कम है इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल, ठीक है बच्चों। सो जिसका मेजर 90 से कम होगा वो क्या होगा हमारा, एक्यूट एंगल, ठीक है। चलो आगे है हमारे पास तीसरा लेते हम, आपको मालूम है, आपको मालूम है, चलो बताओ क्या है, यस इट इज ऑप्टिज एंगल। तो ये उसका एक्यूट के उल्टा हो जाएगा, एक्यूट का मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऑप्टिज का ग्रेटर देन या फिर मोर देन 90 डिग्री, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, हैविंग मेजर क्या बोलेंगे, मोर देन 90 डिग्री। हाँ, इसमें कंडीशन भी है, जैसे लेस देन 90 का मतलब जीरो से कम नहीं, या फिर जीरो, ठीक है, जीरो से बड़ा 90 से कम। अब यहाँ पे मोर देन 90 डिग्री का मतलब 90 से बड़ा लेकिन 180 से कम, ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो सिंपल ध्यान में रखेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है एक आधा एंगल, नाम दे देते इसको ए बी सी, ठीक है, और मेजर ले लेते मान लीजिए 120 डिग्री, ठीक है। एक आधा एकदम इसको इस तरह से बनाते, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा है ये, ठीक है, मान लीजिए कि मैं इसको 160 डिग्री ले लेता हूँ पी की वाल, फिर भी हमारा ये क्या होगा, 180 से कम होगा, ठीक है। हाँ, आपको अगर जोड़ना है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा का जोड़ सकते हो, क्या, हैविंग मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मैं थोड़ा सिंपल इतना ध्यान में रखने को कहूँगा आपको, ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखने है, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या मिलेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको नजर आई, ठीक है, यहाँ पे सिंगल है एंगल एंगल एंगल, क्योंकि ये एक ही एंगल का मेजर है, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हूँ, मतलब यहाँ पे वन से ज़्यादा, एक से ज़्यादा एंगल्स होंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे कहेंगे, जिसकी सम, ठीक है, जिनकी सम 90 डिग्री होती है, यानी क्या बोलेंगे, हैविंग सम ऑफ मेजर्स 90 डिग्री, ठीक है। यानी जिनके मेजर्स की सम 90 डिग्री होगी, एग्जैक्ट 90 डिग्री, उसको कहेंगे हम, क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू समझो 50 डिग्री है, और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू समझो 40 डिग्री है, ठीक है। और अब यहाँ पर चेक करो कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 50
देखो एबीसी का मेजर कितना है 50 और पीक्यूआर का कितना है 40, तो ये क्या बन गया हमारा 90 डिग्री। सो एंगल एबीसी और एंगल पीक्यूआर के मेजर्स की सम आ गई 90 डिग्री। इसलिए सो क्या कहेंगे हम कि एंगल एबीसी एंड एंगल कौन सा पीक्यूआर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहेंगे इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या है राइट एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री, एक्यूट एंगल हैविंग मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल हैविंग मेजर मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है यानी हैविंग सम ऑफ द मेजर्स 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल एबीसी और पीक्यूआर दोनों की अगर मैं एडिशन कर दूं तो वो कितनी आ गई है 90 डिग्री। इसलिए एबीसी और पीक्यूआर को क्या कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद में और भी एंगल्स है जो हम पढ़ते थोड़ी देर में ठीक है बच्चों। सो अभी देखेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो यहाँ पर भी एंगल्स लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक से ज़्यादा होंगे। सो दैट में क्या रखना, अभी जो देखा था हमने कॉम्प्लीमेंट्री में सम कितनी होती है यानी एडिशन कितनी होती है 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में ध्यान में रखना एडिशन होंगी 180 डिग्री। यानी यहाँ पर कहेंगे क्या ठीक है, हैविंग सम ऑफ मेजर्स 180 डिग्री ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा कि एंगल एबीसी मान लीजिए 120 डिग्री है और एंगल पीक्यूआर मान लीजिए 60 डिग्री है ठीक है। अब इनकी हम एडिशन करते हैं, सो एंगल एबीसी प्लस एंगल पीक्यूआर। अब देखो एबीसी का मेजर कितना है हमारे पास 120 प्लस पीक्यूआर का मेजर कितना है यस 60 डिग्री, तो दोनों के एडिशन कितनी हो जाएंगी हमारी 180 डिग्री। अगर दोनों के एडिशन मतलब सम अगर 180 आती सो एंगल एबीसी और एंगल पी की बार एक दूसरे के क्या बन जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल एबीसी एंड एंगल पी क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है बच्चों। सो आपको ध्यान में रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहेंगे। देखो एंगल्स में पहले क्या शुरुआत की हमने, राइट एंगल हैविंग मेजर 90 डिग्री, उसके बाद एक्यूट एंगल हैविंग मेजर लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल हैविंग मेजर मोर देन या फिर ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैविंग सम ऑफ मेजर्स 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैविंग सम ऑफ मेजर्स 180 डिग्री ठीक है बच्चों। सो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा फिफ्थ एंगल था, चलो आगे बढ़ते सिक्स्थ में। यहाँ पर लेंगे हम लीनियर पेयर्ड एंगल्स ठीक है। क्या कहेंगे हम लीनियर पेयर्ड एंगल्स। यहाँ पर भी एंगल नहीं है, एंगल्स है मतलब एक से ज़्यादा है। सो इसमें दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ठीक है, एक ही लाइन पर क्या बोलेंगे हम, एक ही लाइन पर यानी जो एंगल्स क्या होंगे एक ही लाइन पर तैयार होंगे। दूसरा पॉइंट है ठीक है, हैविंग सम ऑफ मेजर्स ठीक है, आप सिंपली ध्यान में रखो हैविंग सम 180 डिग्री ठीक है, एक ही लाइन पर रहेंगे और उनकी सम कितनी रहेंगी 180 डिग्री। जैसे देखो बच्चों यहाँ पर ये मैंने एक लाइन निकाल दी है ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक लाइन है, मैं नाम दे देता हूँ उसको L ठीक है। और उसके बाद में मान लीजिए मैं बीच में से कहीं एक आधा रे इस तरह से निकाल देता हूँ ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए A, ये O पॉइंट ले लेते हैं, ये मान लीजिए B है, आप लाइन L बोलो या फिर लाइन AB बोलो चलेगा, और ये मान लीजिए पॉइंट C है हमारे पास ठीक है। अब देखो यहाँ पर यहाँ ये जो लाइन AB है इसके ऊपर यहाँ मुझे दो एंगल नज़र आ रहे हैं ठीक है। यहाँ पर क्या है, दो एंगल नज़र आ रहे हैं ठीक है। लाइन AB देखो एक ही लाइन है और उसके ऊपर दो हमारे पास क्या है एंगल्स है ठीक है। हाँ ये लाइन ध्यान में रखना, स्ट्रेट लाइन चाहिए। अब मान लीजिए कि अगर ये एक ही लाइन पर तैयार होते तो इनको क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर ठीक है। दूसरी बात, इनकी सम कितनी रहेंगी 180 डिग्री ठीक है, क्योंकि लाइन का मेजरमेंट होता है हमारे पास में 180 डिग्री। यानी क्या कहेंगे यहाँ पर एंगल कौन सा ठीक है हमारे पास है, कौन से एंगल AOC एंड BOC, क्या कहेंगे यहाँ पर हम
एंगल एओसी एंड एंगल बीओसी, ठीक है, आर लीनियर पेयर्ड एंगल्स. क्या कहेंगे हम? लीनियर पेयर्ड एंगल्स. जैसे ही आपने ये कह लिया, लीनियर पेयर्ड एंगल्स, सो इसका मतलब आपको लिख के रख देना है, इसका जो मीनिंग है, ठीक है, क्या है, वो एक ही लाइन पर है, वो तो हो गया हमारा तय कि वो लीनियर पेयर है. नाम में चाहिए लीनियर मतलब लाइन पर, सिंपल. तो इसका दूसरा क्या मतलब है हमारा, कि उसकी सम कितनी रहेंगी, 180. यानी आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी, यहाँ पर लिखेंगे, देखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल यहाँ से दूसरा कौन सा होगा, बी ओ सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री. और इसको आप रीजन देके लिखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर्ड एंगल्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. यानी जब भी लीनियर पेयर एंगल की बात होंगे, तो लीनियर पेयर एंगल कब, जब वो एक ही लाइन पर होंगे. दूसरी बात, उनकी एडिशन कितनी रहनी चाहिए, मतलब रहेंगी ही रहेंगी 180 डिग्री, ठीक है बच्चों. सो लीनियर पेयर में दो बातें, पहचान कैसी है कि वो एक ही लाइन पर हो, और उसका मीनिंग, उसका मतलब क्या लेके रखना है, कि उनकी सम कितनी रहेंगी, 180, ठीक है. तो एक स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, वो थोड़ा ध्यान में रखना, बराबर स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, बराबर एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये आप थोड़ा बराबर ध्यान में रख, ठीक है. सो इस तरह से आपको क्या लेना है, लीनियर पेयर्ड एंगल्स, ठीक है बच्चों. अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर आपने दो लाइन्स है, तीन लाइन्स है, ठीक है, और उनकी ट्रांसवर्सल के बारे में सुना होगा. तो पहले हम छोटा सा एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, ट्रांसवर्सल. तो ट्रांसवर्सल क्या होती है, जो लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट में, उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल. सो बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं हम ट्रांसवर्सल का. ट्रांसवर्सल आप किसे कहेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, किसे कहेंगे हम, द लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स, टू और मोर लाइन्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ट्रांसवर्सल द लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल. यानी क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा लाइन्स को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है. जैसे देखो, मान लीजिए कि मैं यहां पर एक लाइन निकालता हूं, समझो लाइन यल है, दूसरी कोई लाइन है हमारे पास, मान लीजिए लाइन एम है. अब देखो, ये जरूरी नहीं कि लाइन यल और लाइन एम पैरेलल हो, वो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर वो पैरेलल है तो वहां पे हमको कुछ स्पेशल एंगल्स मिलेंगे, बात अलग है, लेकिन ध्यान में रखना, हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर मान लीजिए कि एक नई लाइन, मान लीजिए नाम उसका यन है, ये लाइन यन, लाइन यल और लाइन एम को देखो, यहां पर मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, दो अलग अलग पॉइंट्स में क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में. डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग पॉइंट्स. ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे ये लाइन यल है, उसके बाद ये लाइन यम है, और हमारी लाइन यन अगर ऐसे लेते हैं, ठीक है. सो अगर बात करते हैं यन की, तो देखो बोला, ये लाइन यल और लाइन यम को एक ही पॉइंट में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट. ऐसा नहीं, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है. तो यहाँ पर यन हमारी यम और यन की, यल के ट्रांसवर्सल नहीं होंगे, ठीक है. वो कब होंगे, जब वो लाइन यल और लाइन यम को दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट्स में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, तो जाके हम यन को क्या कहेंगे, यल और यम का ट्रांसवर्सल, ठीक है. यानी क्या कहेंगे यहाँ पर एग्जांपल में, देखो क्या होगा, लाइन कौन सी, लाइन यन इज द ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन्स. कौन सी लाइन्स है, वो लाइन्स एल एंड कौन सी लाइन है, एम, ठीक है. सो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यन, यल और यम की क्या होंगी, ट्रांसवर्सल, अगर वो इन दोनों को दो अलग पॉइंट्स में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है बच्चों. सो इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे, ट्रांसवर्सल. अब हम ट्रांसवर्सल क्यों पढ़े, तो हमको क्या करने हैं, कुछ और एंगल्स पढ़ने. जैसे हमने ये एंगल्स पढ़े यहाँ तक, और कुछ हमको एंगल्स पढ़ने हैं, इसके लिए हमने ट्रांसवर्सल का इस्तेमाल करना है. सो देखो, अगर मान लीजिए, पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ फिर से एक बार. मान लीजिए कि वही एग्जाम्पल जो मैंने ऊपर लिया है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लेते, सो ध्यान में रखना, ये लाइन यल है, ये लाइन एम है, और यहाँ से मैं इसको एक ट्रांसवर्सल निकाल देता हूँ. मान लीजिए उसका नाम है एन, उसका नाम क्या है, यंग. अब आप यहाँ पर देखो, ये जब यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है, तो यहाँ पे
एक दो तीन चार, चार एंगल्स तैयार होते हैं। यहाँ पर भी वन टू थ्री फोर, देर आर फोर एंगल्स फॉर्म्ड, ठीक है। सो ऐसे टोटल मिलाकर यहाँ पर एट एंगल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो मैं इसको पहले तो मेजर दे देता हूँ, समझो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, उसके बाद इसको मैं नाम दे देता हूँ ई, ये समझो एफ, ये जी है, और ये मान लीजिए यच है, ठीक है। अगर हम बात करते तो यहाँ पर ये चार एंगल्स और यहाँ पर ये चार एंगल्स तैयार हो गए, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे चार चार एंगल यानी टोटल आठ एंगल्स हो गए। हम इनमें से अगर हम दो दो के पेयर लगाते तो यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग पेयर्स तैयार होती है, जिसमें से एक होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, एक होता है अल्टरनेट एंगल, और एक होती है इंटीरियर एंगल्स की पेयर, ठीक है। सो इसमें से एक एक करके पढ़ेंगे हम। ये पहले थोड़ा सा ध्यान में रख दीजिए, जैसे लाइन यल है, लाइन यम है, और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, यन है। तो इसके इधर साइड में यानी एक तरफ ए डी ई एच चार एंगल्स हैं, उसके दूसरी तरफ बी सी एफ जी ऐसे चार एंगल्स हैं। फिर उसके बाद भी मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो लाइन एल और लाइन यम है इसके अंदर के एंगल्स की बात करें तो डी सी एफ ई ये अंदर हो गए, और फिर लाइंस के बाहर के, तो एल के बाहर में कौन है, यहाँ पे ए और बी है, और एम के नीचे बाहर में कौन है, एच और जी है। तो इसके अनुसार हम उसके क्या करेंगे, टाइप्स करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या, जैसा पहला लेते हम, यहाँ पर पहला ले लेते हैं कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट के साथ में पढ़ेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आपको समझने के लिए यहाँ पर मैं जो बताता वो आपको ध्यान में रखना है, तीन पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब, ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, ट्रांसवर्सल के एक तरफ, एक ही तरफ के, ठीक है, एक ही तरफ के, ठीक है। पहला पॉइंट ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, एक अंदर एक बाहर, क्या ध्यान में रखेंगे, एक अंदर ध्यान में रखना है, एक बाहर, एक बाहर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है, न चिपके हुए, न चिपके हुए, एक दूसरे को चिपक कर नहीं चाहिए, न चिपके हुए, ठीक है। बस ये तीन पॉइंट्स है, इसकी पहचान ध्यान में रखना। और अगर लाइंस पैरेलल है, ध्यान में रखना लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ठीक है। तो चलो एग्जांपल्स में पहले देख देते हैं। यहाँ पर देखो पैरेलल लाइंस के लिए ये इक्वल रहेंगे, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर स्टार पॉइंट, ठीक है। लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए यानी लाइंस अगर पैरेलल है तो ये क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल रहेंगे, ये सिंपल सिंपल ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, पहले तीन पॉइंट से पहचान, कौन सी, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, दूसरा एक अंदर एक बाहर, तीसरा क्या है, न चिपके हुए, और पैरेलल लाइन है, अगर लाइन यल और लाइन यम अगर पैरेलल है तो वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते, यहाँ पर हमारे पास है एग्जाम्पल, जैसे मैंने एंगल ए ले लिया, मैं क्या लेता हूँ, एंगल ए। अब बात करते हैं एंगल ए के, सो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल वो देखना है, क्या देखना है हमको, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल तो क्या करना है हमको, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, तो ए जिस तरफ है उस तरफ के पूरे बताओ, ए है, डी है, ई है, एच है, यानी ये इनमें से कोई होगा। दूसरा पॉइंट, एक अंदर एक बाहर, अब मैंने ए लिया तो ए क्या है, बाहर, तो हमको क्या चाहिए, अंदर के, तो बाहर एच छोड़ दो तो अंदर के कौन होगा, डी और ई। देखो ए के साथ में ए बाहर है तो अंदर वाले कौन, डी और ई। लेकिन तीसरा पॉइंट क्या कहा, न चिपके हुए, तो डी देखो चिपका हुआ है तो न यानी नहीं चाहिए, मतलब हम किसको लेंगे, ई को, ठीक है। यानी एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा, एंगल ई, यानी क्या कहेंगे हम, एंगल ए और एंगल ई हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। और क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल है तो हम कॉन्ग्रुएंट की बात करते, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लेता नहीं, तो सिंपल कहूँगा मैं एंगल ए एंड एंगल ई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हो गए, ए के साथ ई। कैसा ध्यान में रखा, मैंने ए ले लिया, उसके बाद ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ, तो ए के एक ही तरफ वाले कौन से, डी ई एच,
उसके बाद एक अंदर एक बाहर, तो ए बाहर है तो अंदर के, डी और ई, उसके बाद न चिपके हुए तो डी चिपका हुआ है उसको छोड़ दो तो बचा कौन, ई, यानी ए का करस्पॉन्डिंग हो गया ई। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार बताओ फटाफट, एंगल बी है तो एंगल बी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो एंगल बी यहाँ है तो उधर के क्या होंगे, एक ही तरफ के सी एफ जी, उसमें से फिर एक अंदर एक बाहर, तो बी बाहर है तो अंदर के कौन से, सी और एफ, लेकिन तीसरा पॉइंट है न चिपके हुए तो सी को छोड़ दो जो चिपका हुआ है, तो कौन होगा एफ, यानी एंगल बी का कौन होगा, एंगल एफ। ठीक है बच्चों, तो चलो अब आप बताओ डायरेक्ट, मैं लेता हूँ एंगल सी, तो एंगल सी का बताओ फट से क्या होगा, देखो एंगल सी अंदर है उधर के ही, तो सी अंदर है तो बाहर के कौन सा, बी और जी होगा, लेकिन बी चिपक कर है उसको लेना नहीं, यानी सी का कौन होगा, एंगल जी, तो सी का होगा एंगल जी। और लास्ट एक पेयर और होगी, अगर मैं एंगल डी लेता हूँ तो एंगल डी के साथ कौन होगा, देखो डी है, डी अंदर है तो बाहर का कौन होगा, एच, तो इस प्रकार से एंगल एच लेना है। ठीक है, तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जैसे मैंने कहा है आपको, अब वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखे तो आपको फटाफट ध्यान में रहेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहे। ठीक है बच्चों, अब सेकंड लेते हैं हम, सेकंड है हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इसमें आपको दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारे पास, पहला पॉइंट अंदर के, पहला पॉइंट कौन सा है, पूरे के पूरे क्या होना चाहिए, अंदर के, अंदर के। ठीक है, और दूसरा पॉइंट तिरछे, क्या बोलेंगे आप, वहाँ पे तिरछे वाले, अंदर के लेकिन तिरछे। तो देखो एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, पहली बात मैंने कहा अंदर के, लाइंस के अंदर के, तो लाइन के अंदर के कौन होगा, डी सी एफ ई हो गया, और उसके बाद क्या कहा, तिरछे, तो जैसे डी है तो डी का तिरछा कौन है, एफ, यानी मैं कहूंगा यहां पर एंगल डी एंड एंगल कौन सा होगा, तिरछा, तो तिरछा कौन सा होगा, एंगल एफ। दूसरा क्या होगा, मैं एंगल सी लेता हूं, सी का तिरछा होगा ई, यानी एंगल सी एंड एंगल कौन सा होगा, ई। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है, अल्टरनेट एंगल्स के लिए अंदर के, तो अंदर जितने भी है, डी है, सी है, ई है, एफ है, फिर तिरछे, तो डी के साथ एफ और सी के साथ ई होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। हाँ, ये भी हमारे पास क्या रहता है, इसका एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर लाइंस पैरेलल है तो। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख के रख देते हैं, अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस है तो। ठीक है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, के लिए, पैरेलल लाइंस के लिए ये भी क्या रहेंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, इनको भी ध्यान में रखना कि ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है बच्चों, सो फट से बताओ क्या होगा, अंदर के तो ये चार है, तिरछे कौन है, तो एंगल डी एंड एंगल कौन सा होगा, एफ, और दूसरा कौन सा, एंगल सी है तो एंगल सी का कौन सा होगा, एंगल ई, तिरछा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब मैं यहाँ पे वो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह अभी ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे लाइंस पैरेलल है कि नहीं ये बताया नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी लाइंस पैरेलल रहेंगी तो ध्यान में रखना कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे ये भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास, वो है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, तो इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल में भी ध्यान में रखना दो पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट पूरे के पूरे अंदर के, पूरे अंदर के, और दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना एक ही तरफ के, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, क्या कहेंगे यहां पर हम, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, ध्यान में रखना। ठीक है, और यहां पे स्टार पॉइंट ध्यान में रखना, पैरेलल लाइंस के लिए क्या कहेंगे हम यहां पर, पैरेलल लाइंस के लिए, ये जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, पैरेलल लाइंस के लिए क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री। ठीक है, यानी सप्लीमेंट्री का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उनकी एडिशन 180 होंगे, बस मैं यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी भी लाइंस पैरेलल है कि नहीं ये बताया नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले क्या कहा, इंटीरियर एंगल्स के लिए अंदर के, तो अंदर कितने एंगल्स है, इन लाइंस के अंदर कितने है, डी सी एफ ई है, हो गए अंदर के। दूसरा क्या, ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के, जैसे ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ इधर बोलो या फिर उधर बोलो, तो इधर में कौन है, डी और ई है, यानी क्या होगा, अंदर के, तो अंदर मैंने लिया डी,
एक ही तरफ के, तो डी का डी के तरफ के कौन से है वो देखो, तो डी के तरफ है एंगल ई, ठीक है। और दूसरी पेयर है उधर के, तो सी, तो सी के तरफ कौन है एफ, तो एंगल सी एंड एंगल हमारे पास है एफ, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के कारण इस तरह से एंगल्स तैयार होते हैं कभी भी, ठीक है। देखो इस तरह से ही डायग्राम होंगी, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये बेसिक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी ट्रांसवर्सल है, कौन से करस्पॉन्डिंग होंगे, कौन से अल्टरनेट होंगे, कौन से इंटीरियर होंगे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे लाइंस पैरेलल तो कौन कॉन्ग्रुएंट है और कौन सप्लीमेंट्री, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे इसके बाद में और भी कुछ एंगल्स आते हैं, ठीक है, तो उन एंगल में से एक एंगल है हमारे पास अब नया एंगल, ठीक है, जिसे हम कहेंगे अपोजिट एंगल, ये नया टाइप में, ठीक है। सो हमारे पास है, जैसे यहाँ पर कौन से पढ़े थे हमने, लीनियर पेयर, और ये कुछ प्रॉब्लम्स पड़े, ठीक है, कुछ नए टाइप्स पड़े, उसके बाद में अपोजिट एंगल्स, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। सो अपोजिट एंगल्स आपको ध्यान में रखना है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से तैयार होंगे, ठीक है, दो लाइन के, जब दो लाइन इंटरसेक्ट होंगी तब तैयार होंगे, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे हम, ठीक है, टू लाइन्स के इंटरसेक्शन से बने एंगल्स, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये एक लाइन है समझो यल, ये दूसरी लाइन है समझो एम, ये देखो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट ओ में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास एंगल तैयार हो गए। मैं इसको नाम दे देता हूँ, समझो ये ए है, ये बी है, इसको नाम दे देते हम सी, और इसको नाम दे देते डी। तो ये जो चार एंगल्स तैयार हुए हैं, तो देखो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से तैयार हो, तो इनको हम कहेंगे अपोजिट। अब सिंपल बात है भाई, अपोजिट का मतलब एक अगर इधर देख रहा है तो एक एक इधर देखेगा, ठीक है, एकदम अपोजिट। तो जैसे एंगल ए है, सो एंगल ए और एंगल सी होगा, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, ध्यान में रखना, एक पॉइंट लिख देता हूँ, यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। सो एंगल मैंने ए लिखा, तो ए का कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा होगा, सी, पहली बात तो वो अपोजिट है, ठीक है। दूसरा एंगल अगर हमने बी लिया, तो मैं लिखता हूँ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी, और दोनों को रीजन क्या रहेगा कि दे आर अपोजिट एंगल्स, आप उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से अपोजिट एंगल्स टू लाइंस के इंटरसेक्शन से बने एंगल्स, दूसरी बात वो क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो एंगल ए के साथ एंगल सी और एंगल बी के साथ एंगल डी, ये हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे, ठीक है बच्चों। और भी कुछ चीज़ें होती है इसमें, तो हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे।